ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की T20 सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलती हुई नजर आएगी। बता दें कि साउथ अफ्रीका के साथ भारतीय टीम 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद 3 मैचों की ODI सीरीज भी खेली जाएगी। टीम इंडिया 28 सितंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी T20 सीरीज का आगाज करेगी। इसको लेकर टीम इंडिया तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के लिए यह 3 मैच काफी इंपोर्टेंट होंगे। ऐसे में वर्ल्ड कप की तैयारियों को और ज्यादा पक्का करने के लिए भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले खेलते हुए नजर आएगी। बता दें कि तिरुवनंतपुरम में पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसको लेकर जब भारतीय टीम वहां के एयरपोर्ट पहुंची तब टीम इंडिया का सामना वहां के लोकल बॉय और टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन के फैन से हो गया। आपको बता दें कि संजू सैमसन के फैंस एयरपोर्ट पर नजर आए। संजू सैमसन इस वक्त इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, ना ही उन्हें एशिया कप में टीम इंडिया के लिए चुना गया था और ना ही वह T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है। इसके बाद से ही लगातार फैंस नाराज हैं और फैंस BCCI को कोसते हुए नजर आए थे। ऐसे में जब टीम इंडिया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पहुंची तब फैंस ने वहां टीम इंडिया की बस का घेराव किया। इसके अलावा संजू के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि इसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भी संजू सैमसन को लेकर कुछ स्टोरीज सोशल मीडिया पर साझा की। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव बस की खिड़की वाली सीट पर बैठे नजर आए। जब बाहर फैंस लगातार संजू के नारे लगा रहे थे तब सूर्य कुमार यादव ने अपने फोन में संजू सैमसन की एक तस्वीर निकाली और फैंस को संजू सैमसन की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद फैंस और ज्यादा उत्साह के साथ संजू के नारे लगाते हुए नजर आए। इसके अलावा टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विन ने भी एक स्टोरी को साझा किया। उन्होंने अपनी स्टोरी में संजू सैमसन को टैग किया और लिखा कि बाहर आपके नारे लग रहे हैं जिसमें संजू लोग चिल्ला रहे हैं। इसके अलावा युजवेंद्र चहल ने भी क्राउड का एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने संजू सैमसन को टैग किया। वहीं रोहित शर्मा ने भी इसको लेकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स, जो कि IPL की एक टीम है और उसकी कप्तानी संजू सैमसन करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को अपने अकाउंट से शेयर किया और लिखा कि संजू सैमसन के फैंस हर जगह मौजूद हैं। आपको बता दें कि संजू सैमसन ने PTI के साथ बातचीत करते हुए इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया में जगह बनाना इस वक्त मुश्किल हो चुका है क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि टीम के लिए खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि किस खिलाड़ी को रिप्लेस कर खेलना है। बताते चलें कि इस वक्त संजू सैमसन इंडिया ए की कप्तानी कर रहे हैं। साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि संजू सैमसन टीम के उपकप्तान बन सकते हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।